Hello viewers, welcome to my cooking channel Rannar Sahaj Path. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम आपको दिखाएंगे हैदराबादी पनीर रेसिपी। ये एक ऑसम रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया। पनीर 300 ग्राम टुकड़ा कर लिया, दही 1 कप फेट लिया, क्रीम 1 कप, अदरक लहसुन थोड़ा सा स्मैश कर लिया, 1 बड़े टमाटर छोटे छोटे टुकड़े में कट लिया, 1 बड़े प्याज वो भी छोटा छोटा टुकड़ा में कट लिया, 1 फ्रेश बंडिल पालक मैंने ले लिया और थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ भी ले लिया, खड़ा मसाला हरी इलायची 3, बड़ी इलायची 1, दालचीनी छोटे 2 टुकड़े, 5-6 लौंग, पाउडर मसाला हल्दी 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 8-10 स्लिट किया हुआ हरा मिर्च और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये हम बनाएंगे सफोला ऑयल में, आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं। ये जो कढ़ाई में मैं ये खाना पकाऊंगी, इसका खास चीज है हेवी बेस। तो ये हेवी बेस होने के नाते खाना बनाते टाइम नीचे वाला जो पोर्शन कभी भी नहीं चिपकेगा। तो कढ़ाई अभी गर्म हो गया है, थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। देखिए ये हीट किस तरह से कंट्रोल में रखता है। एक एक करके हर चीज़ हम डालते जाएंगे। पहले प्याज थोड़ा सा चला लूँगी, उसके बाद ये लहसुन, जिंजर, टमाटर, स्लिट किया हुआ हरा मिर्च। अब इसको 3-4 मिनट भून लेंगे। 3 मिनट हो गया। अब इसमें डालना है पालक और धनिया, थोड़ा सा नमक इसमें दे रही हूँ ताकि जल्दी ये नरम हो जाए। इस कढ़ाई में खाना बनाने का बहुत ही एक फ़ायदा है, मैक्सिमम हीट देना आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार हीट हो जाने से ये कढ़ाई अपने अंदर हीट रेजिस्ट करके रख लेता है और बहुत ही कम ऑयल में खाना बनता है। तो अब इसको ढक्कन लगा रही हूँ, ढक्कन लगा के 3-4 मिनट इसको पकाऊंगी। 4 मिनट हो गया, ये देखिए एकदम नरम हो गया। अब गैस ऑफ कर रही हूँ, इसको उठा लूँगी। अब इसका एक पेस्ट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पेस्ट बनाऊँगी। अब ये खाना बनाने का सेकेंड स्टेप, कढ़ाई मैंने ओवन में फिर बिठा दिया, थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल रही हूँ। देखिए इंस्टेंट जो ऑयल मैंने डाला वो गर्म हो गया। इसके अंदर एक एक करके ये खड़ा मसाला डाल दिया, खड़ा मसाला थोड़ा सा चला लूँगी, ये खड़ा मसाला बाद में फेंक देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन पेस्ट, 2-3 मिनट इसको चलाएंगे। अब डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर इसको 2-3 मिनट चला लेंगे। ये कढ़ाई में अगर कुक करना है तो हमेशा मीडियम हीट में ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा ढक कर पकाएंगे। अब देखना है, ब्यूटीफुल, ये मसाला तेल छोड़ना शुरू किया। अब हमें इसमें डालना है ये दही।
दही भी थोड़ी देर तक चलाऊंगी, 2-3 मिनट ऐसा ही। अब इसमें डालना है क्रीम। डाल दूंगी 2-3 हरा मिर्च, फिर इसको थोड़ी देर तक चलाऊंगी। अब डालूंगी गरम मसाला पाउडर। नमक मैंने पहले ही एक बार दिया था, उसी के हिसाब से और थोड़ा नमक इसमें डाल रही हूँ। तीन चार मिनट हो गया, ये पक गया है। अब इसमें डालना है पनीर। पनीर डालने के बाद और भी 2-3 मिनट ढक कर पकाएंगे। एक बार देखना पड़ेगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल बन गया है, ये हैदराबादी पनीर बनके तैयार हो गया है। एक ही चीज अब डालने में बाकी रह गया है, ये है कसूरी मेथी। थोड़ा सा हाथ से इसको रगड़ने के बाद ही डाल दीजिए। ब्यूटीफुल खुशबू, एंड इसका जो खड़ा मसाला वो मैंने उठा के फेंक दिया, उसका खुशबू निकल गया इसके अंदर। ब्यूटीफुल लुक्स आ गया है। सो व्यूअर्स, रेडी हो गया हमारा आज का रेसिपी हैदराबादी पनीर। थैंक यू।